अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब मेरे भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि किस मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ। उससे पहले यार मेरी सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरा एक दोस्त है, वो अटालिया के लिए लीबिया में कैब में बैठा हुआ है। उसने मुझसे खसूसी कहा था कि हैदर भाई आपने अपनी वीडियो में ना मेरा जिक्र करना है और मुझ तमाम भाइयों से मेरे लिए दुआ करवानी है। उनकी गेम आज या कल परसों निकलनी है। हालांकि मैंने उसको बहुत मना किया था, मैंने कहा यार ना जाओ, मतलब लेकिन कहते हैं कि गुर्बत या मजबूरियां इंसान को बड़ा कुछ करवा देती हैं। और चले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तमाम भाई इस रिक्वेस्ट है कि उस भाई के लिए दुआ करें लाजमी, ताकि वो अल्लाह उनको अपनी मंजिल मकसूद तक आसानी से पहुँचा। वीडियो का आगाज़ करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल हैदराज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज जो मैं आपके सामने वीडियो शेयर करने लगा हूँ, उसमें यह है कि हर बंदे की कोशिश होती है कि यार मैं किसी अच्छी से अच्छी कंट्री के अंदर मैं पहुँच जाऊँ। मैं हूँ या कोई भी है ना, पहली बात तो यह है कि इंसान को अगर आसानी से उस मुल्क का वीज़ा मिल जाए तो हर बंदा पहले वीज़ा अप्लाई करे और फिर ये दूसरा कदम उठाए। लेकिन ये है कि आप लोगों को भी पता है, आप भाइयों को पता है कि यूरोप या अमेरिका या मतलब कि अच्छी कंट्री में जाने के लिए उनकी शराइत इस तरह की होती है कि हम वो पूरा नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे भाई जो हैं वो इलीगल रास्ता अख्तियार करते हैं और यूरोप या अमेरिका या मतलब इस तरह का कोई भी मुल्क जहाँ पे उन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर लगता है उधर वो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने मौत को अपने हाथों में रख के और फिर वो उसका सफ़र तय करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग इलीगल तरीके से जो कि अमेरिका में पहुंचे हैं वो किस तरह से किन मुश्किलात से गुजर के पहुंचे हैं और वो जो मेक्सिको का जंगल है या मेक्सिको क्रॉसिंग जो बॉर्डर होता है वो किस तरह का होता है, वो आज मैं आपको अपनी वीडियो लाइव दिखाऊँगा। तो अभी आप मेरी वीडियो देखें, अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख रहे हैं, ये मेक्सिको का जंगल क्रॉस करने के बाद ये जो है बॉर्डर है ये, और ये दरिया के अंदर से ये गुजर के जाना पड़ता है। और ये देखें, ये बाज़ दफ़ा तो इतना पानी इसके ऊपर होता है कि बंदा बहा ले जाती है साथ ही ना। चले आगे चलते हैं। ये उन्होंने क्रॉस कर लिया है, वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग करने के बाद अभी ये है कि आगे ज़ाहिर सी बात है सरहद के साथ आर्मी होगी जो कि पकड़ेगी या रिसीव करेगी या इनको डिपोर्ट करेगी। तो ये है कि ये सब जो है ये इन्होंने मेक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये अभी अमेरिका के अंदर इंटर हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि अभी ये जो है ना समझ लें कि डिपोर्ट नहीं होंगे ये, क्योंकि डिपोर्ट नहीं, ये ज़्यादातर डिपोर्ट नहीं करते, ज़्यादातर ये डिपोर्ट नहीं करते। इनको अभी इनका ये है कि डॉक्यूमेंट वगैरह इनसे देखेंगे, नाम वगैरह पूछेंगे कि किस कंट्री से कौन आया है और बस पूछेंगे क्या वजह क्यों आए हो, किस मुल्क से हो, इस तरह की इंफॉर्मेशन वगैरह इनसे लेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि ये सबसे जो है ना हर बंदे खुशी की लहर है जो भाग भाग के आर्मी के पास जा रहे हैं खुद, वरना अगर इनको डिपोर्ट वगैरह या इनको डर हो तो ये उनके सामने कभी ना आए, दूसरे रास्ते से पीछे को भागें। लेकिन चलें अच्छी बात है, माशाल्लाह जिन्होंने मेहनत की है उनका मेहनत का अजर मिल गया उनको, तो इसलिए ये अभी ये कह लें कि इन पे एक अलहदा सी खुशी नज़र आ रही है वीडियो के अंदर ना, आपको लग रहा होगा कि हर बंदा खुश है। अभी ये बच्चे फैमिलियाँ ये देखें, ये आप देख रहे हैं फैमिली को लेके ये बच्चों के साथ ये घर से निकल आया था। और चलें जब बंदा पहुंच जाए तो फिर मुश्किलात बंदे को भूल जाती हैं, और अगर ना पहुँचे तो फिर उसको पता है कि रास्ते में वो किस तरह आता है। या ये कहते हैं कि मेक्सिको का बॉर्डर पनामा के जंगल ये क्रॉस करने सबसे मुश्किल है, तो अल्लाह साहब की हिफाजत फरमाए। अभी ये आप देखेंगे कि ये देखें अभी इन्होंने एक साइड पे सबको खड़ा कर लिया, इनसे ये वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं कि किस कंट्री से हो, कोई बांग्लादेश से होगा, कोई मतलब फिलिपीन से, कोई इंडियन से, ज़्यादातर इंडियन ही जाते हैं ना इस रास्ते, तो क्यों पाकिस्तानी ज़्यादातर यूरोप इटालिया वगैरह स्पेन वगैरह जर्मन वगैरह जाते हैं। तो बाकी ये सारी इन्होंने बनाई हुई है, आपने देखा कि पास ये बस खड़ी है, ये वेरिफिकेशन करने के बाद इनको बस में बिठाएंगे और कैंप में ले जाएंगे, फिर ये अपना प्रोसीजर जो भी होगा स्टार्ट करेंगे। माँ भाई से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।